थैनोस अपने हाथ में पावर स्टोन को पकड़ के एक शैतानी हंसी हंसता है और फिर अपने गॉन्टलेट पे लगा के स्टोन के पावर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन तभी टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ देखता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी टोनी को इशारा कर देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का इशारा देख के टोनी को भी सब कुछ समझ आ जाता है और वो सीधा जाके थैनोस के गॉन्टलेट को छीनने लगता है। लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी गॉन्टलेट हाथ से नहीं निकलता, उल्टा थैनोस ही पकड़ के टोनी को दूर फेंक देता है। फिर थैनोस ठीक से गॉन्टलेट को पहनता है और बोलते मैं हूँ तुम सबका अंत, और फिर ये बोलते थैनोस स्नैप कर देता है। लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं होता। ये देख के थैनोस अपना गॉन्टलेट घुमा के देखता है जिसमें एक भी स्टोन नहीं था। उधर ही दूसरी तरफ टोनी सारा का सारा स्टोन अपने हाथ में दबा के रखा था और फिर स्टोन को उछाल के टोनी बोलता है आई एम आयरन मैन। लेकिन तभी उधर कैप्टन मार्वल आ जाता है और टोनी से सारा का सारा स्टोन छीन लेता है और फिर वो स्टोन को लेके बोलते हैं मैं स्नैप करता हूँ क्योंकि इन सारे एवेंजर्स में से मैं ही सबसे पावरफुल हूँ और इतना सा गामा रेडिएशन से मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर ये बोलते कैप्टन मार्वल हाथ में गॉन्टलेट को पहन लेता है और स्टोन का सारा पावर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर आई एम कैप्टन मार्वल बोल के स्नैप कर देता है। लेकिन इसके दूसरे पार्ट में जो होता है वो जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखो।